क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब पाना? क्या आप भी घर बैठे बहुत ही कम फीस पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी एक सीजी व्यापम टॉपर से गाइडेंस लेना चाहते हैं? तो डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ आप स्टोर में जाकर कोर्स परचेज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। हम प्राचीन छत्तीसगढ़ का कुछ एमसीक्यूज देख रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने राजर्षि तुल्य वंश, गुप्त वंश से संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम आगे के राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अभी देखते हैं शैल वंश। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले क्षेत्र में 7वीं-8वीं शताब्दी में शैल वंश का शासन था। इसके निम्नलिखित शासक थे, तो शैलवंशी शासक के बारे में पूछा है, तो वो थे पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन। ठीक है, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन, ये कौन से वंश के शासक थे? शैल वंश के। ठीक है, अब उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। शैल वंशी शासक 7वीं-8वीं शताब्दी में थे। इनका जो मूल वंश था उसे सूर्यवंशी भी कहा जाता है। सूर्यवंशी दुर्ग क्षेत्र में निवास करते थे। इसकी जानकारी दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम से रघोली से प्राप्त ताम्रपत्र से मिलता है। इसके प्रमुख शासक थे श्रीवर्धन, जो इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, संस्थापक कौन है? श्रीवर्धन। नेक्स्ट है पृथ्वीवर्धन, जो इनके पुत्र थे। फिर इनके पुत्र थे, मतलब श्री पृथ्वीवर्धन के पुत्र हैं जसवर्धन। ठीक है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, श्रीवर्धन, श्री पृथ्वीवर्धन और जसवर्धन। श्रीवर्धन ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया था। ठीक है, इसके समकालीन शरभपुरी वंशी थे। ठीक है, शरभपुरी वंशी इसके समकालीन थे। संभवतः इस वंश में उत्तराधिकार न होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। ठीक है, तो इसके ताम्रपत्र कहाँ से मिलते हैं? दुर्ग और बालाघाट से, याद रखिएगा। ठीक, और अगर आप इन वंशों के बारे में या छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे सब्जेक्ट के फुल लेंथ कोर्स कराए गए हैं, आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिरपुर के पांडुवंश। सिरपुर के पांडुवंश का प्रथम शासक कौन था? तो उदयन। ठीक है, सिरपुर के पांडुवंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन। उदयन उसका प्रथम शासक था। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे? इंद्रबल, याद रखिएगा। पांडुवंश के शासक पूछेंगे अगर प्रथम शासक, तो उदयन, इसे आदि पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, और संस्थापक इंद्रबल। पांडुवंश के कौशल शाखा का संस्थापक कौन था? उदयन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शरभपुरी शासकों ने बनाया था, सही है कि नहीं वो देखना है। ठीक है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर शरभपुरी शासकों नहीं, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर पांडुवंशी शासकों ने बनवाया था। ठीक, प्राचीन काल में बस्तर चक्रकूट कहलाता था, हाँ तो ये सही है। भोरमदेव मंदिर शिला एक फणी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, भोरमदेव वाला फणी नागवंश से संबंधित है। ठीक है, 1050 ईस्वी में लगभग भोरमदेव मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, फणीश्वर नागवंशी शासक ने, गोपाल देव ने। यहाँ पे देखते हैं सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सोमवंशी शासकों या पांडुवंशी शासकों ने, उन्हीं को कहा जाता है, ने बनवाया था। यह मंदिर लाल ईंटों से निर्मित है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासनकाल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया? तो पांडु। ठीक है, पांडु वंश ने ही सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, याद रखिएगा। सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण प्रमुखतः कौन से ईंटों का प्रयोग किया गया है? तो किसका प्रयोग किया गया? तो ईंटों का। कभी कभी पूछता है कौन से ईंटों का, तो लाल ईंटों का। ठीक है, लाल रंग के ईंटों का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में। कहाँ स्थित है? सिरपुर में। ठीक है, कौन बनवाया था? तो याद रखिए पांडुवंशी शासक कौन थे? हर्षगुप्त। हर्षगुप्त की पत्नी थी रानी वासाटा देवी। कौन? वासाटा देवी। ठीक है, वासाटा देवी, उन्होंने ये सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया था। ठीक है, फिर ये अगर निर्माण काम नहीं करा पाई, मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो इनके पुत्र थे, वासटा देवी के पुत्र कौन थे?
महाशिवगुप्त बालार्जुन, ठीक है, बालार्जुन, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कराया था। ठीक है, तो दो लोगों का नाम आता है मंदिर निर्माण में, किनका, रानी वासटा देवी जो अपने पति के स्मृति में इसको बनवाती है लक्ष्मण मंदिर को, और इनके पुत्र कौन थे, बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने इसका कार्य निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश निम्नलिखित शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया था, अभी मैंने डिटेल बताया, तो हर्षगुप्त ने। ठीक है, मौखरी वंश के राजा सूर्यवर्मा की पुत्री थी कौन, रानी वासटा देवी, उनका विवाह हर्षगुप्त से हुआ था। हर्षगुप्त की मृत्यु के बाद रानी वासटा ने अपने पति की याद में वही लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया, और पर पूर्ण कौन कराया, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक है, अभी हमने देखा इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, तो एक महाशिव तीवर देव थे, ठीक है, गुप्त नहीं, ठीक है, महाशिव गुप्त बालार्जुन नहीं, एक थे महाशिव तीवर देव, इन्हें तीवर देव भी कहा जाता है या महाशिव तीवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में दो शासकों ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, एक पांडुवंशी शासक थे तीवर देव और एक कलचुरी शासक थे पृथ्वीदेव प्रथम, इन दोनों ने। ठीक है, प्राचीन काल में इस राज्य के पांडुवंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की, तो तीवर देव ने। सिरपुरा के पांडुवंश ने महाशिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था, तो याद रखिएगा शैव धर्म था, परंतु ये जो सिरपुर के पांडुवंश का ना मुख्यतः ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, बट ये थे सिर्फ महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, यहाँ कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन एक धर्म सहिष्णु शासक थे, जिनके शासनकाल में सभी धर्मों ने स्वतंत्रता पूर्वक विकास किया था। जैसे क्या क्या काम हुआ था, भगवान विष्णु के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य हुआ था, बौद्ध विद्वान थे चीनी यात्री ह्वेन सांग ने 639 ईस्वी में सिरपुर की यात्रा की थी, गंधेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और सिरपुर में अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अगर इन सब के बारे में, मतलब क्या क्या निर्माण हुआ वहाँ, ठीक है, और कौन से वंश को छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, इन सब के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने को मिल सकता है, योगेंद्र साहू एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन। ठीक है, वहाँ आपको कोर्स में डिटेल से ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं और डिटेल से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तीवर देव अनुयायी था, तो तीवर देव वैष्णव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, सिर्फ महाशिवगुप्त बालार्जुन थे जो शैव धर्मावलंबी थे, बाकी अन्य वैष्णव धर्म के थे। ठीक, 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन सांग ने इस राज्य के निम्न में से किस स्थान को भेंट दी थी, तो सिरपुर को। ठीक है, मतलब कौन, मतलब कहाँ आया था ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, सिरपुर आया था, ठीक, उसमें सिरपुर और मल्हार की यात्रा की थी। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में, कब, 639 ईस्वी में, और अपनी पुस्तक सीयू की में छत्तीसगढ़ को किया सलो नाम से वर्णित किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ यात्री वेन सांग ने सिरपुर की यात्रा की थी 7वीं सदी में। ठीक, 7वीं सदी में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में किस पांडुवंशी शासक के समय वेन सांग सिरपुर आया था, तो शिवगुप्त के समय। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय। ठीक, इसे आप कैसे याद रख सकते हैं कि 7वीं सदी में कब आया था, ये 639 में। ठीक है, इसे 7वीं सदी क्यों गया, क्योंकि ये ईयर जो ईस्वी रहता है ना, उससे एक साल बढ़ा के ऐसे कहा जाता है। ठीक है, 7वीं सदी। ठीक, ये अगर 639 है तो 7वीं सदी, 739 होता तो 8वीं सदी। ठीक है, ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ इतिहासकार वेन सांग ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल की यात्रा की, तो मल्हार और सिरपुर की। ठीक है, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में वही है। ठीक, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल किस शासन काल को कहा जाता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से महाशिवगुप्त संबंधित है, तो पांडुवंश है। छत्तीसगढ़ के मैकल क्षेत्र में प्राचीन काल में निम्न में से किस राजवंश का शासन था, तो सोमवंश का। सोमवंशी राजाओं ने, सोमवंशी मतलब इन्हीं का, मैकल क्षेत्र में जो पांडुवंश है ना, उन्हें सोमवंश कहा जाता है। ठीक है,
सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपने राजधानी बनाकर शासन की? तो सिरपुर को। ठीक, नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। सर्वपुरी वंश के राजा प्रसन्नमात्र ने प्रसन्नपुर नामक शहर की स्थापना की थी। ठीक है, ये सही है। कहाँ की थी? बिलासपुर में। सोमवंशी या पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया था। तो तीनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजा और राजवंश सुरमेलित है पूछा है, तो यहाँ पे है पांडुवंशी राजा महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, भवदत्त वर्मा नल वंश के थे, प्रसन्न मात्र सरपुरी वंश के, और जगत देव भूषण छिंदक नागवंशी। ठीक है, तो हमने नल वंश और सरपुरी वंश देख चुका है। ठीक, नहीं देखा होगा तो आप पिछले वीडियोज में जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये प्लेलिस्ट में आप जाके सारी वीडियोज देख सकते हैं। ठीक, अगर पसंद आए ये तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वाष्टा देवी ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण किया था? तो पांडु वंश के। ठीक, महाशिव समकालीन था तो हर्ष का। ठीक है, हर्षवर्धन शासक थे, ये भारत भारतीय इतिहास का बात है ये। ठीक है, हर्षवर्धन कन्नौज के शासक थे। ठीक है, कन्नौज के पुष्यभूति वंश के शासक थे, उन्हीं के समकालीन था कौन? महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक, तो कौन कौन से समकालीन थे ये भी देख सकते हैं। हर्षवर्धन